नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। ये 0 से 6 महीने के बच्चे के पैर में आराम से फिट हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बूट बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सिलाई में 16 फंदे डाले हैं। हमें धागा डबल करके फंदे नहीं डालने हैं, सिंगल धागे से ही हम फंदे डालेंगे। और 10 नंबर की सिलाई लिया है। इसे पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदा उल्टा। दूसरी लाइन में भी सभी पहला फंदा ऐसे नीट वाइज डालेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदा उल्टा। अब ये हमारा तीसरा लाइन है। पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदा उल्टा। अब देखिए, हमारे पास 2 फंदे बचे हुए हैं, तो हम उल्टा बुनेंगे। फिर इसी फंदे में इसको ऐसे घुमा के हम एक और फंदा बना सकते हैं। हमें 15वें फंदे में 2 फंदा बनाना है और 16वां फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। और अब सिलाई में 16 फंदे पहले थे, एक फंदा बढ़ गया, यानी 17 फंदे हो गए हैं। और फिर सभी फंदे हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये हमारे 4 लाइन कंप्लीट हो गए हैं और 2 उल्टे फंदों की धारियां यहां आ गई हैं। अब क्या करेंगे कि पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। यहाँ पर हम जूते में डोरी डालने के लिए जाली बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जूते में डोरी डालने के लिए जाली बना रहे हैं और फिर हम शेष फंदे उल्टा बनाएंगे। और अब फिर हमारे सिलाई में 2 फंदे बचे हुए हैं, तो ये हमारा 16वां फंदा है। तो 16वें फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे और फिर इसी फंदे को ऐसे घुमाएंगे और एक और इसी में बुन लेंगे। एक फंदे से हमने 2 फंदा कर लिया और लास्ट फंदा उल्टा। अब हमारे सिलाई पे 18 फंदे हो गए हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पहला फंदा ऐसे नीट वाइज डालेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब हम दोनों तरह से उल्टा बुनते हुए 11 लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी 22 उल्टे लाइन बनाएंगे, तो 11 धारियां हमारी आ जाएंगी। और ये ध्यान देंगे कि जब 2 ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरे लाइन पर, यानी ये 5वां सिलाई हुआ, तो 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरे लाइन पे हमें जाली डालना है। मैं अभी आपको बुन के दिखाती हूँ। और ये 18 फंदा, अब फंदे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं 18 फंदों को हम आगे ले कर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 धारी बनने के बाद तीसरे में यहाँ पे जाली पड़ी है। 2 धारियाँ कंप्लीट होने के बाद अब तीसरी धारी बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमें जाली डालना होगा। तो पहला फंदा तो हम नीट वाइज ऐसे स्लिप कर ले रहे हैं, अगला फंदा उल्टा बुन रहे हैं। फिर ऊन ऐसे सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे और शेष फंदे। अब यहाँ देखिए, जाली देने से और 2 का एक करने से यहाँ पर डोरी डालने के लिए छेद बन के तैयार हो जाएगा और बाकी फंदे जो है उल्टे बना लेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम 11 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 11 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट से ये 11 धारियाँ बन गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बैक साइड से 10 धारियाँ बनी हैं, यानी 21 लाइन कंप्लीट हो गया है। और देखिए, 2 धारी बनने के बाद तीसरे में हम
जाली बनाया है, फिर नेक्स्ट दो के बाद तीसरे में जाली, फिर नेक्स्ट दो के बाद तीसरे में जाली पड़ा है। तो अब ये हमारा 22वां लाइन है और रॉन्ग साइड से। अब हम इसमें अपना सेकेंड कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा हमने सीधा बुना है और फिर उन अपनी ओर करके चार फंदे हमको उल्टे बनाने हैं। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद यहीं से हम वापस टर्न कर लेंगे और इन्हें उल्टा बुन लेंगे। फिर अब हम अपने दूसरे कलर से पहला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे हमको दूसरे मतलब प्राइमरी कलर से बनाने हैं। एक फंदा हो गया, चार फंदा और उल्टा बुनना है, तीन चार और नेक्स्ट पांच। पांच फंदे बुनने के बाद हम वापस यहीं से टर्न कर लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम सफ़ेद वाले यानी सेकेंडरी कलर से छह फंदा उल्टा बुनेंगे। एक पहला फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार और नेक्स्ट एक फंदा और ले लेंगे, ये पांच। टोटल हमारे छह फंदे हो गए और फिर हम यहीं से लौट जाएंगे और इन छह फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी कलर से ये दो धारियां बन गई हैं। तो अब हम प्राइमरी कलर से बुनेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे और अब हम सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे। अब कि हम एक फंदा आगे बढ़ा के लौटेंगे नहीं, बल्कि सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये जाली बनने के बाद ये दो लाइन कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब हमको जाली बनाना है। तो पहला फंदा ऐसे नीट वाइज स्लिप करेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उन सिलाई में लपेट के लाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बनाएंगे और फिर शेष सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पहली लाइन में सफ़ेद रंग से यानी सेकेंडरी कलर से बुना तो चार फंदे बुना, दूसरी लाइन में छः फंदे, यानी इस लाइन में हमें आठ फंदे बुनना होगा। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर सात फंदा उल्टा बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ फंदे टोटल हो गए। आठ फंदे बुनने के बाद हम यहीं से लौट जाएंगे। अब हम प्राइमरी कलर से नौ फंदे बुनेंगे, पहला फंदा सीधा बुन लिया, उन अपनी ओर किया और फिर आठ फंदे उल्टे, यानी एक फंदा हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर यहीं से हम टर्न कर लेंगे। आठ फंदा सफ़ेद बुनने के बाद अब अगला लाइन दस फंदा हो जाएगा। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर नौ फंदे उल्टे, टोटल हम दस फंदे बुनेंगे। दस फंदे बुनने के बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे। और सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो धारी बनाने के बाद हम यहाँ तक बुने थे, फिर ये दो धारी हो गया है। दो धारी बनाने के बाद हम यहाँ पूरा फंदे बुने थे, फिर नेक्स्ट दो धारी सफ़ेद का तैयार हो गया है, यानी अब हमें प्राइमरी कलर से सारे फंदे उल्टे बुनने होंगे। पहला फंदा सीधा और शेष सारे फंदे उल्टे। और फिर पहला फंदा सीधा और शेष फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड, सेकेंडरी कलर से हमने चार फंदे बनाए थे, फिर छः फंदे, फिर आठ फंदे, फिर दस फंदे।
तो इस लाइन में हमें 12 फंदे उल्टे बुनने होंगे। पहला फंदा सीधा और 11 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हो गए। और फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और इसके साथ ही हमारा आधा जूता तैयार हो गया। अब प्राइमरी कलर से पहला फंदा सीधा और फिर 12 फंदा उल्टा, यानी टोटल 13 फंदा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 फंदा बुनने के बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे। अब फिर हमें सेकेंडरी कलर से बुनना है, तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 11 फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी टोटल 12 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी अब हमको वापस जैसे हम ऐसे क्रमशः आगे बढ़े थे वैसे ही क्रमशः लौटना होगा। तो 12 फंदा बनाने के बाद यहीं से हम टर्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसके साथ ही हमारा ये 6 लाइन बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अब की बार प्राइमरी कलर से सारे फंदे हमें उल्टे बुनने होंगे। अब की प्राइमरी कलर से सारे फंदे बुने जाएंगे। जब 2 लाइन सेकेंडरी कलर से कंप्लीट हो जा रहा है तो प्राइमरी कलर से सारे फंदे बुने जा रहे हैं। और फिर उल्टा बुनते हुए हम वापस लौट जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब सेकेंडरी कलर से यहाँ पे देखिए 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब ये 12 बुन गया है, यानी कि अब वापस हम टर्न कर रहे हैं, वापस ऐसे घटाते हुए जाएंगे तो ये 12 बन गया, यानी अगला लाइन 10 होगा, उसके अगला लाइन 8, फिर 6, फिर 4। और जब ऊपर की तरफ ये जब 2 लाइन सफ़ेद का हो जा रहा है तो प्राइमरी कलर से सारे फंदे उल्टे बनाए जा रहे हैं, तो मतलब प्राइमरी कलर से सारे फंदे बुने जा रहे हैं। अब इस समय हम सेकेंडरी कलर से 10 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर वापस लौट जाएंगे। सेकेंडरी कलर से 10 फंदे बुने गए हैं, इसका मतलब अब प्राइमरी कलर से 9 फंदे बुने जाएंगे। प्राइमरी कलर से 9 फंदे हम बुनेंगे, 2 यानी इससे 1 फंदा कम, और फिर यहीं से हम लौट जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, प्राइमरी कलर से 9 फंदे बुने गए हैं, इसका मतलब कि अब सेकेंडरी कलर से 8 फंदे ही बुने जाएंगे। पहला फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे, 8 फंदे बुनने के बाद हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 लाइन ये फिर बुन लिया गया है, यानी प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। अब प्राइमरी कलर से सारे फंदे बुन लिए जाएंगे।
सारे फंदे उल्टे बुन लिए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे दो लाइन बन गया है, यानी कि अब ये तीसरा लाइन है और इसमें हमें जाली बनाना है। पहला फंदा स्लिप कर लिया, ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन चढ़ा के लाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे और फिर सारे फंदे उल्टे। फिर सेकेंडरी कलर से छह फंदे हमको बुनना है, पहला फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा, चार पांच छह, छह फंदा बुनने के बाद हम लौट आएंगे और फिर सबको उल्टा बना लेंगे। और फिर अब प्राइमरी कलर से पांच फंदे बुने जाएंगे, पहला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा। कुल पांच फंदा बुनने के बाद हम वापस सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। और अब सेकेंडरी कलर से चार फंदा हम बुनेंगे, पहला फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा और फिर वापस हम टर्न कर लेंगे। और फ्रेंड अब हमें इस सफ़ेद रंग का कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे। और अब सभी फंदे हम सेकेंडरी कलर से बुन लेंगे। और अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे और दो लाइन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद तीसरे लाइन में जाली बनाएंगे और 11 लाइन बनाएंगे। और लास्ट में के दो लाइन में हमें ये जो दो फंदा हमने यहाँ बढ़ाया है वो हमें घटाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नौ धारियाँ बन के कम्प्लीट हैं। एक ये हमारा सीधा साइड है, फ्रंट साइड। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ धारियाँ बन के कम्प्लीट हैं। और अब हमें दो फंदे घटाने हैं तो पहला फंदा तो हम नीट वाइज स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, शेष फंदे उल्टे। फिर मेरा ये फ्रंट साइड आ गया, पहला फंदा नीट वाइज ऐसे स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और शेष फंदे उल्टा बुन लेंगे। इसके साथ ही ये 10 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे और सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। दो फंदे घट गए और अब सिलाई में सिर्फ 16 फंदे रह गए हैं और अब ये 11वां लाइन है। उल्टे फंदों की ये 11वां धारी बन रही है। तो सभी फंदे उल्टे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से
पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और बाद वाले फंदे को चढ़ाते जाएंगे, उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इस लाइन में हमें सारे फंदे क्लोज कर देने हैं। क्योंकि हमने इधर फंदा ऊन ज़्यादा रखा है इसलिए इधर हम छोटा ही काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जूता तैयार हो गया है। अब हमें इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलते हुए चले आएंगे। सुई में धागा डालेंगे और इसे उल्टा करेंगे और फिर हम सिलना शुरू कर देंगे। पहले लाइन फंदे में ऐसे दो बार हम सिलेंगे ताकि ये मजबूत हो सके, और फिर हम जैसे सिलाई करते हैं वैसे नॉर्मली सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा जूता तैयार है। अब इसमें हमें जाल देना है। डोरी मैंने क्रोशिया से बनाई है। चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और एक बल लेंगे और पहले वाले चैन में क्रोशिया डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, फिर एक बल लेंगे, इसी में एक क्रोशिया डालेंगे, एक और लूप निकालेंगे, फिर एक और लूप। अब सारे को एक ही साथ घटा देंगे और यहाँ पे फिर तीन चैन लेंगे, और यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर तीन चैन लेंगे,